हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं ममता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल नैलिना अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैंने सीटेट पे बनाया है, सीटेट रिजल्ट के बारे में। तो मैं मतलब कुछ 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि सीटेट ने मतलब CBSE ने कोई भी पर्टिकुलर डेट नहीं दिया है कि वो 21 को ही अपना रिजल्ट निकालेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आज ही रिज़ल्ट आए आपका, तो मे बी एक हफ्ते लग सकते हैं, 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं, या आप अभी सो रहे हैं, सो के उठेंगे तो मे बी आपको अपना रिज़ल्ट साइट पे देखने को मिल जाए। क्योंकि CBSE ने ऐसा, तो CBSE ने फर्स्ट टाइम किया है, क्योंकि आज तक उसने अपना कोई भी ऐसा रिज़ल्ट जो है डिले नहीं किया है, वो भी 5 दिन। उसने डेट जब भी दिया उस डेट के पहले ही उसने अपना रिज़ल्ट जारी करने का वो कर दिया, जारी कर ही दिया है। पता नहीं इस बार क्या हो रहा है, मे बी इस बार कई शिफ्टों में पेपर हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस हो रहे होंगे, तो हो सकता है रिज़ल्ट में देरी आपके आ रही है, क्योंकि चेयरमैन भी चेंज हुए हैं। तो चेयरमैन जब चेंज हुए हैं तो कुछ ना कुछ प्रोसेस बहुत ज़्यादा, जैसे ऑफिस में जब भी घर में कोई नया आदमी आता है तो नहीं उथल फुथल मच जाता, उसी तरह यहाँ सीटेट मतलब जो है ऐसा ऑफिस में भी हुआ होगा। तो मे बी हो सकता है रिज़ल्ट आपका है। तो हाँ, ये भी है फ्रेंड्स कि आप अगर आपने आंसर की से मिलाया है कि आप मतलब क्वालिफाई कर रहे हो या 1-2 नंबर कम है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप पास हो जाओगे। और नॉर्मलाइजेशन में नंबर अक्सर ही बढ़ता है, मैंने हर वीडियो में यही बोला है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात हो रही है क्वालिफ़ाई करने की। तो आप हमेशा जो है कि क्वालिफ़ाई करना है तो वो क्वालिफ़ाई कर देगा, क्योंकि सीटेट पास करने के बाद आपको कोई नौकरी मिलनी नहीं है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो सीटेट जो है रिज़ल्ट इस बार अच्छा ही आएगा, सबको क्वालिफ़ाई कर देगा, मतलब जो 1-2 नंबर से कम हो रहे हैं तो वो पास हो जाएंगे। जैसे OBC वाले, अगर उनका 75 या है या तो 80 है, तो वो पास होने के चांसेस हैं। और जनरल वालों में अगर उनका 89 है तो वो भी पास ही हो जाएंगे। डरे ना और अपने आगे की प्रिपरेशन करें, क्योंकि सीटेट जो है वो रिज़ल्ट अपना चाहे जब ही दे सकता है। तो आप लोग इसकी हेडक ना लें कि सीटेट का रिज़ल्ट कब आएगा। बार बार साइट जब भी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप यूट्यूब की वीडियोस को ना देखें प्लीज़, आपको जब भी देखना है तो CTET.NIC.IN पे जाके ही अपना रिज़ल्ट चेक करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे जो बता रहे हैं उन्होंने भी कोई कंफर्मेशन उनके पास है, क्योंकि सीटेट ने जब भी कोई पर्टिकुलर डेट वेट नहीं दिया है, वो अपने आप से मतलब उनको कहीं से ही पता चली। ये तो सीटेट के ऑफिस में जो भी है, सीटेट मतलब जो ये है आपका हेडक्वार्टर उसका मतलब CBSE का, तो वो उन लोगों को भी नहीं पता है कि सीटेट का रिज़ल्ट कब अपलोड करना है। तो चाहे जब हो सकता है तो आप लोग इसकी हेडेक ना लें। और जो ये बनाया है मैंने थंबनेल की, सीटेट अभ्यर्थी को 1 सप्ताह का इंतजार खत्म, 8 अंक बोनस के साथ रिजल्ट आज होगा घोषित। मे भी आज घोषित मतलब आज ही रिजल्ट को डिक्लेयर कर दें, हो सकता है बाद में भी करें, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये प्लीज़, अगर आप इस चैनल पर नए नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम सीटेट से जुड़ी पल पल की खबर आपको देते ही हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो दोस्त प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप ये